साढ़े तीन घंटे बताएंगे पीएम मोदी, पुनर्निर्माण कार्यों का भी लेंगे जायजा, 700 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ, बंद कमरे में तीर्थ पुरोहितों के साथ चल रही वार्ता, 5 को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा, बड़ा महंगाई भत्ता, मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को निर्णय लेने के लिए किया अधिकृत। 10 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस का विजय शंखनाद, यशपाल के स्वागत के बहाने होगा शक्ति प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पर्यटन के लिए उत्तराखंड को मिला 1-2 वॉच पुरस्कार, लंदन अवार्ड से नवाजा गया, पर्यटन विभाग की ओर से अपर निदेशक पूनम चंद ने वर्चुअल रूप से पुरस्कार प्राप्त किया। नरक चतुर्दशी आज, घर के कोनों में जलाएंगे दिए, सुख समृद्धि के लिए करें देवता यमराज की उपासना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पीएम के दौरे से पहले सीएम धामी केदारनाथ पहुंच गए। खबर आपको दिखा रहे रुद्रप्रयाग से, जहां पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज केदारनाथ पहुंचे, साथ में तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों से चल रहे हैं नाराज, और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया है और साथ में तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत कर रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि साथ में तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं, उनके साथ बातचीत की है। रुद्रप्रयाग से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं राजेश सिंह, हमारे संवाददाता। राजेंद्र जी, क्या और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं राजेश वर्मा। राजेश, खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ पहुंचे, और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं, प्रमुख ब्यूरो चीफ। राजेश जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला देवस्थानम बोर्ड को लेकर, तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ भी पहुंचे हुए हैं, बातचीत चल रही है वहां पर। बिल्कुल, अच्छा मैं बता दूं कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ में पहुंचेंगे, और केदारनाथ पहुंचकर जो उनका कार्यक्रम है, क्योंकि काफी योजनाएं जो है पूर्ण निर्माण को लेकर के खासतौर से उसका जायजा लेंगे, और आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का जो है अनावरण होगा, और साथ ही जो है बड़े भव्य तरीके से जो है एक तैयारी जो है वो उत्तराखंड सरकार ने कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार पुरोहित जो है वो धरने प्रदर्शन पर जो है लगातार केदारनाथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो सरकार के सामने पैदा हो चुकी है, और इसी को मनाने के लिए आज तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो केदारनाथ पहुंचे हैं, और वहां पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद है, सुबोध उनियाल मौजूद है, और वो वहां पर पुरोहितों के साथ वार्ता कर रहे हैं, और वार्ता में कुछ बड़ा निष्कर्ष जो है वो समाधान जो है वो जरूर निकल के आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का 5 नवंबर को जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा है, और केदारनाथ में एक बड़ी भव्य तैयारी जो है वो कर चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी का दौरा है वहां पर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है? बिल्कुल, अच्छा मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है शुक्रवार को यानी कि 5 नवंबर को सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचेंगे, और वहां पर पहले वो दर्शन करेंगे, और उसके बाद ठीक 8:35 पर जो है प्रधानमंत्री जो है गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उद्घाटन करेंगे उसका, और पुनर्निर्माण का जो है निरीक्षण करेंगे, तो कहीं ना कहीं, और एक इसके साथ साथ जो है 9:40 पे केदारनाथ में अनेक विकास परियोजनाओं को लेकर के उनका शिलान्यास जो है वो केदार घाटी में करेंगे, जिसमें काफी जो पुल है जिन पर निर्माण होना था उनको लेकर के बात है, और साथ ही जो घाट है उनका जो है वो अनावरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि जो है जिस तरीके से लगातार केदारनाथ में 2013 की त्रासदी आई थी उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री का
जो प्रोजेक्ट है पुनर्निर्माण को लेकर के, खासतौर से डेवलपमेंट जो केदार घाटी में अच्छे तरीके से होना है, तो वो लगभग जो है पूरी तैयारी में हो चुका है, लगभग उसका उसकी तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से तैयारी को लेकर के खासतौर से जो प्रधानमंत्री 5 तारीख को पहुंच रहे हैं, क्योंकि उस दिन बाबा केदार के जो कपाट है उस दिन उनके बंद होने की अंतिम तिथि है, और उसके दर्शन के बाद जो है बाबा केदार की कपाट जो है वो अक्षय बंद भी हो जाएंगे। जी राजेश जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिखा रहा जा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर नाराज चल रहे पंडा पुरोहितों से बातचीत जारी है, और पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे हुए, और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुमताज पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा चंदौली की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। रेहान सिद्दीकी चंदौली पश्चिम मंडल महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा चंदौली की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय तिवारी बम बम गुरु विधानसभा अध्यक्ष सपा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। राज नारायण जायसवाल बबूरी चंदौली की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हरिगढ़ वासियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी नगर वासियों, शहर वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता महारानी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे माता महारानी, सभी के घर में खुशियों की झोलियाँ भर दे, और जो 2 साल में कोरोना काल में जो हुआ है उसे बहुत दूर करे, यही माता लक्ष्मी से कामना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दलजीत सिंह, पूर्व विधायक। दीपो ज्योतिर पर ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हर तुमे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैनेजर डायरेक्टर डॉक्टर रितेश राज यादव, शिवाय हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की शुभकामनाएं। मैं समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव अपने देशवासियों को, जनपद वासियों को और महाराजा विधानसभा के वासियों को धनतेरस, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ में उम्मीद करता हूँ कि 2022 समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय हमारे अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री। जय समाजवाद, जय। मैं राम सेवा राजदीप पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय गोविंद राजपूत महासभा, पूरे अपने हमारे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, और अपने पूरे हमारे सारे देश की जनता के लिए दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत ढेर साल की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आपको खबर दिखाने जा रहे हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से एक खबर है जहां जनपद संघर्ष समिति की हड़ताल 3रे दिन भी लगातार जारी है। यमुनोत्री को पृथक जनपद बनाने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है, और 3 दिन से लगातार ये हड़ताल जारी है। लंबे समय से चल रही यमुनोत्री पृथक जनपद की ये मांग है। संघर्ष समिति को क्षेत्र की जनता का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। उत्तरकाशी से आपको एक खबर दिखा रहा है जहां जनपद संघर्ष समिति की हड़ताल 3रे दिन भी लगातार जारी है। यमुनोत्री को पृथक जनपद बनाने की मांग को लेकर हड़ताल है, भूख हड़ताल की जा रही है, और लंबे समय से चल रही यमुनोत्री पृथक जनपद की मांग की जा रही है।
संघर्ष समिति की क्षेत्र की जनता का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। उत्तरकाशी से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां जनपद संघर्ष समिति की हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी है। यह भूख हड़ताल है, यमुनोत्री को पृथक जनपद बनाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से यमुनोत्री पृथक जनपद की मांग की जा रही है, जिसको लेकर यह भूख हड़ताल की गई है और यह तीसरा दिन है जब यह भूख हड़ताल लगातार जारी है। उत्तरकाशी से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां जनपद संघर्ष समिति की हड़ताल और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पृथक जनपद की भी मांग उत्तरकाशी जिले की जो है यमुना घाटी में लगातार चल रही है। काफी लंबे वक्त से ये जो मांग है बिल्कुल चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर नितिन ने ये घोषणा की थी और ये अभी तक जो है ये मांग जो मांग है ये लोगों की पूरी नहीं हो पाई जी। और साथ में ही आज काफी चार लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं जी। अनिल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से जहां यमुनोत्री को पृथक जनपद बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और लंबे समय से यमुनोत्री पृथक जनपद की मांग चल रही है। और इसी बीच खबर देहरादून से आपको बताने जा रहे हैं, खबर देहरादून से जहां आपका जेल भरो आंदोलन, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आपका जेल भरो आंदोलन और देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। देहरादून से आपको एक खबर दिखा रहा है जहां आपका जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आपका जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है और देवस्थान बोर्ड को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ और इसी बीच खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पंडा पुरोहितों को मनाने पहुंच गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पंडा पुरोहितों से मुलाकात की है। अपूर्व सीएम के विरोध के बाद मुश्किलें और बढ़ गई। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां मुश्किलें पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थिति गंभीर भी हो रही है। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पंडा पुरोहितों को मनाने केदारनाथ पहुंच गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की पंडा पुरोहितों से मुलाकात की है। उन्होंने बातचीत चल रही है पंडा पुरोहितों के साथ, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम के विरोध के बाद मुश्किलें और बढ़ गई। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पंडा पुरोहितों से बातचीत करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपावली त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए एसएसपी पौड़ी के जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और गश्त लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दीपावली जैसे त्यौहार में बाजारों में भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है, ऐसे में बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करना और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को पूर्व निर्देशित कर दिया गया है। और ये भी कहा है कि सभी दुकानदारों की अनाउंसमेंट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वो अपने सामान को व्यवस्थित करके रखें ताकि बाजारों में व्यवस्था बनने में तकलीफ ना हो। पहले तो मैं सबसे पहले पूरे उत्तराखंड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आपने हमसे पूछा है कि दीपावली कैसे मनाई जा रही है इस समय और उत्तराखंड के कलाकार लोक कलाकारों को कैसे दीपावली मनाएंगे, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है कलाकारों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और जो इस बार जो दीपावली मनाई जा रही है त्यौहार है, इसमें भीड़ भाड़ रहती है, उसकी दृष्टि से हमने सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ट्रैफिक के संबंध में हमारे द्वारा जो है टू व्हीलर को जो है धारा रोड में अपर बाजार में
बंद किया गया है, केवल पैदल जो ग्राहक है वो पैदल ही जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर डोईवाला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और उत्साहित होकर जोरदार नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया। परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा को हराकर जीती है और एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों की जीत से कांग्रेस को संजीवनी भी मिल गई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो अब हमारी जो जीत हुई इससे महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह का संचार किया है। सभी महिलाएं अब तैयार हैं क्योंकि सभी महंगाई से सभी त्रस्त हो चुकी हैं। अब हर हाल में हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जो है कांग्रेस की सरकार हो। हर हाल में हमारे उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही आए। जिस प्रकार से हमने हिमाचल में ये जीत प्राप्त की है वही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तराखंड में भी हमें इसी तरह 100% बहुमत के साथ जो है कांग्रेस सरकार को लाना है। 29 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभाओं की कई राज्यों में, आप सबने देखा होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। कुल मिलाकर जो से केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है उसके खिलाफ ये मैंडेट था और राज्य सरकारों विशेष रूप से हमेशा होता आया है कि जहां सरकारें होती हैं उपचुनाव उनका होता है, परंतु आपने देखा होगा हिमाचल में ये बिल्कुल ही अलग हुआ है। जो 3 सीटें थी उसमें हम कांग्रेस पार्टी जीती और जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिला के राजस्थान में हमने अपनी दोनों सीटें बरकरार रखी। MP में जरूर हमें नुकसान हुआ क्यों, लेकिन वहाँ पर उपचुनाव जैसा कि मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष के तरफ ज़्यादा रुझान होता है क्योंकि हर कोई सोचता है कि सरकार से काम लेना होता है, परंतु कुल मिला के हम कांग्रेस जन इस बात से खुश हैं कि पूरे देश में जो 3 लोकसभा सीटें थी उसमें से 2 UPA ने जीती और 1 BJP ने जीती। तौर पर आज हमने जो हमारी प्रचंड जीत हुई है 3 स्टेट में उसमें हमने मिठाई बांटने का खुशी जाहिर की है और ये लगता है कि जनता को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जुमले चल रहे हैं, ना कोई विकास की बात हो रही है ना कोई रोजगार की बात हो रही है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। और हम 2022 में लगभग 5 स्टेट में चुनाव है उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। आगामी 9 नवंबर और 10 नवंबर को नैनीताल और हल्द्वानी में आयोजित होने वाले विशेष राज्य स्थापना दिवस को लेकर DIG नीलेश आनंद भरने ने नैनीताल के DAC मैदान का निरीक्षण किया और राज्य के स्थापना दिवस के आयोजन का निरीक्षण करने पहुंचे। DIG ने यह कहा है कि आपदा आने से नैनीताल और मंडल में काफी क्षति हुई है जिसके चलते नैनीताल में पर्यटकों का आना कम हुआ है जिससे पर्यटन रोजगार को काफी नुकसान हुआ है और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि राज्य स्थापना दिवस समारोह मंडल के सांस्कृतिक दलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ ही विभिन्न जनपदों के विभागों द्वारा और स्वयं सहायता समूह द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। निरीक्षण है वो मुख्यतः 2 चीज़ों को लेकर हमने पहले बातचीत की थी। एक तो स्थापना दिवस जो हमारा अभी है राज्य का उसके उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम होने हैं। 9 नवंबर को कार्यक्रम नैनीताल में होने हैं और फिर राज्य स्तर का कार्यक्रम 10 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होना है। उसके साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तो इन सब का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अभी जो आपदा की स्थिति कुमाऊं मंडल में रही है विशेषकर जनपद नैनीताल में बहुत क्षति हुई है, उससे हमारे पर्यटन गतिविधियां भी प्रभावित हुई थी। तो पर्यटन गतिविधियों को दोबारा बढ़ावा देने के लिए और एक पुनर्धार और पुनर्निर्माण के लिए सभी योजनाओं को देखा जा रहा है कि किस प्रकार हम सुधार करें कि एक संदेश बाहर जाए कि ये पर्यटन की दृष्टि से नगर अब तैयार है, सुरक्षित है और अधिक से अधिक पर्यटक हैं। कनेक्टिविटी के विषय में मैं बता दूं कि हमारे सभी मार्ग जो मुख्य मार्ग हैं अब खुले हैं, कोई कठिनाई नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार चल रही है। उसके अलावा जो सुरक्षात्मक का उपाय करने हैं और गृह निर्माण कार्य करने हैं उन पर भी कार्य प्रारंभ हो गया है, तो मार्ग से भी खुले। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली
माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाकर भी नहीं कर सकते, इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ, और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन, मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500400004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें, बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड पुलिस के मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक यूट्यूब गीत का शुभारंभ किया गया। वहीं गीत का शुभारंभ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे ने किया। आपको बता दें कि आज पुलिस सीओ अध्यक्ष अक्षय प्रहलाद कोंडे ने उत्तराखंड पुलिस के मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्दी प्राउड ऑफ इंडिया सॉन्ग लॉन्च किया गया है, और ये गीत विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस के लोगों द्वारा बनाया गया है। गर्व मुझे इस वर्दी पर है, इससे है। पुलिस द्वारा एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग जो पुलिस को डेडिकेटेड है, जिसका नाम वर्दी है, वर्दी टू, उसको लॉन्च किया गया है। ये गाना एनडीए फिल्म प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया और इसके डायरेक्टर सोनू सागर है, जो डांस और म्यूजिक सिखाते हैं काशीपुर में। और ये लिखा, ये इसका लिरिक्स बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही सुंदरता से लिखा गया हमारे जाबाज जवान देव गोस्वामी द्वारा, जो काशीपुर में ही पोस्टेड है, और इसके गाया गया है कमल सैनी द्वारा। और ये गाने में पुलिस के अलग अलग एस्पेक्ट दिखाए गए जो लिरिक्स को मिलते जुलते हैं, और पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए ये गाना बनाया गया है। और आगे भी इस तरह का लिटरेचर जो बोलते हैं पुलिस में बहुत कम दिखाई देता है, इसी के लिए इनिशिएटिव लिया गया, और ये आगे भी हम लोग इस तरह का लिटरेचर, पुलिस स्पेसिफिक लिटरेचर बनाते जाएंगे, ताकि जवानों का हौसला भी बढ़े और एक अलग माध्यम से, जैसे गाना हो, शॉर्ट वीडियोज हो, उसके माध्यम से लोगों को पुलिस के कार्यों की जानकारी भी मिलती रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।